अन्योन्याश्रय युरोवन मन्नासो बंगप्स्मिता। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपकी ओन्नी आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आई है, जिसे सुनने और देखने के बाद आप हैप्पी और पॉजिटिव फील करेंगे। लेकिन इस न्यूज को हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अरमान मलिक के पॉप को कितना पसंद करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। आपने उन्हें अक्सर के पॉप के बारे में बात करते देखा होगा। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको याद होगा मैंने भी इस बारे में आपको बताया था। के पॉप फैंस को काफी टाइम से इस बात का इंतजार था कि कब के पॉप आर्टिस्ट और इंडियन पॉप आर्टिस्ट एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखेंगे, जिसके बाद अरमान मलिक ने भी एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कोरियन अमेरिकन सिंगर एरिक नाम के साथ अपने न्यू सॉन्ग एको के लिए कोलैबोरेशन किया, जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड इतना पसंद किया गया कि वन मंथ में 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन किए। एको के रिलीज के बाद ही केपॉप सिंगर एरिक नाम के फैंस ने अरमान मलिक को नोटिस करना शुरू किया और धीरे धीरे एको सॉन्ग कोरिया में काफी पॉपुलर हो गया। अरमान मलिक की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें कोरियन चैनल पर इनवाइट किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। अभी हाल ही में 12 जुलाई को अरमान मलिक को कोरियन शो सिंपली केपॉप में इनवाइट किया गया, जहाँ वे वर्चुअल कॉन्सर्ट में शामिल हुए। हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बता दें, सिंपली केपॉप एक रियलिटी शो है जहाँ केपॉप स्टार्स स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और अपनी ऑडियंस से इंटरेक्शन करते हैं। ये शो केविन और जेकब टू कोरियन बॉयज होस्ट करते हैं। ये शो कोरिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसमें BTS, रेड वेलवेट, ट्वाइस और मॉन्स्टर एक्स जैसे ग्रुप भी अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। 12 जुलाई को अरमान मलिक को इस रियलिटी शो में इनवाइट किया गया, जहां उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनका उन्होंने आंसर दिया। साथ ही उन्होंने एको सॉन्ग और एक्सो सॉन्ग को कोरियन में सिंग किया। इंटरव्यूअर ने जब उनसे पूछा कि उन्हें इस शो में कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये उनका फर्स्ट टाइम है जब वे केपॉप वर्चुअल कॉन्सर्ट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने फेवरेट केपॉप ग्रुप के बारे में बताया कि वे एक्सो ग्रुप को काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं और वे एक्सो ग्रुप के बहुत बड़े फैन हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे BTS को भी काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने सुपर जूनियर और स्ट्रे किड्स को अभी सुनना शुरू किया है। इस शो का अमेजिंग पार्ट ये था कि अरमान मलिक ने इस शो में एक्सो मेंबर चैन का सॉन्ग कोरियन लैंग्वेज में ही सिंग किया। इससे ही समझा जा सकता है कि अरमान मलिक के पॉप को कितना पसंद करते हैं। इसके अलावा अरमान ने अपने हिंदी सॉन्ग मैं रहूं ना रहूं और बोल दो ना जरा के बारे में बताया कि ये दोनों उनके फेवरेट हिंदी सॉन्ग हैं जो उन्होंने खुद सिंग किए हैं। साथ ही उन्हें अपना इंग्लिश सॉन्ग कंट्रोल भी काफी पसंद है। दोस्तों, ये वर्चुअल शो काफी मजेदार था और मुझे लगता है कि आप सभी को भी ये शो देखना चाहिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अरमान मलिक जिस तरह केपॉप इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि हमें जल्द ही अरमान कोई सरप्राइज दे सकते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आई पॉप और केपॉप स्टेज शेयर करते दिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही इस शो और अरमान मलिक की केपॉप वर्ल्ड में बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, दमे तो बायो।